प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दो दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन दादाजी धुने वाले दरबार श्याम लहज भोपाल में साधक संत दादा भाई गुरुदेव के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा। जानकारी देते हुए दादाजी धुने वाले दरबार श्याम लहज भोपाल अनुज भैया प्रदीप साहू खातेगांव ने बताया कि इस वर्ष साधक संत दादा भाई के सानिध्य में 20 जुलाई और 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव आश्रम परिसर में आयोजित किया जाएगा। परंपरा अनुसार 20 जुलाई शनिवार शाम को आश्रम परिसर में भक्त श्रद्धालु परिवार के द्वारा दादाजी की सेवा और भजन संकीर्तन का आयोजन हुआ। 21 जुलाई रविवार को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाया जाएगा। जय श्री राम। हमारे बीच भाई दिलीप सोनी जी भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं और दादाजी धुनी वाला दरबार श्यामला हिल से भोपाल के साधक संत गुरुदेव दादाजी के सानिध्य में, दादा भाई के सानिध्य में एक पौधा परिवार के नाम अभियान में भाई दिलीप सोनी जी की ओर से भी यहां पर उपस्थित हुए हैं बेकुंड नर्सरी में। और नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय की ओर से 11 फलदार पौधे यहाँ पर भेंट किए गए हैं। भाई दिलीप सोनी जी की ओर से भी एक पेड़ परिवार का नाम सोनी जी, कितना पौधा आपकी ओर से? पांच पौधे हमारे भाई दिलीप सोनी जी की ओर से भी दादाजी आश्रम के लिए प्राप्त हुए हैं। दादाजी सेवा भक्त मंडल खातेगांव उनका भी अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और दादाजी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार ये पौधे अपना विस्तृत रूप ले, विकार रूप ले, भव्य रूप ले, वैसे ही हमारा जो परिवार है वो भी। बेकुंड नर्सरी खातेगांव में हम पहुंच गए हैं भाई दिनेश राठौर जी के साथ। यहां पर जो है फलदार पौधे क्रय कर रहे हैं। एक पेड़ परिवार के नाम, एक पौधा परिवार के नाम, दादाजी धुनी वाला दरबार में गुरुदेव साधक संत दादा भाई के सानिध्य में ये भव्य पौधारोपण का जो आयोजन होगा। 11 पौधे नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सारिका नरेंद्र चौधरी जी की ओर से प्राप्त हो रहे हैं। उनका भी दादाजी सेवा भक्त मंडल बहुत बहुत अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। बेकुंड नर्सरी धाम में आप देख रहे हैं बहुत ही विभिन्न विभिन्न प्रजाति के यहाँ भी पौधे दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया दिख रहे हैं।